Hello students, myself Manju Mawani. I welcome you in BA Part 3 English Literature online class. In our class, we are discussing about literary terms. In our previous video, we have discussed many literary terms of your syllabus. If you not watch this video, you can watch in our description box. आपने अगर वीडियो नहीं देखी है लिटरेरी टर्म्स की तो आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ले देख सकते हैं, वहाँ पर आपको लिटरेरी टर्म्स की जो लिंक्स है वो आपको मिल जाएंगी। तो बात करते हैं हम लिटरेरी टर्म्स की। एज यू नो दैट व्हाट इज लिटरेरी टर्म एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द लिटरेरी टर्म्स। आप जानते हो कि लिटरेरी टर्म्स क्या होती हैं और इनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, क्योंकि आपने लास्ट जो बीए के 2 साल आपने किए हैं, 2 ईयर्स आपने कंप्लीट किए हैं, उसमें आपने लिटरेरी टर्म्स रीड किए होंगे कि लिटरेरी टर्म्स क्या होती हैं। हिंदी में अलंकार, और जैसे अलंकार का मीन्स क्या होता है, सिंगार, उसी तरीके से लिटरेरी टर्म्स क्या होती हैं, अलंकार ही होते हैं, हिंदी के अलंकार होते हैं। उसी तरीके से लिटरेरी टर्म्स क्या है, किसी भी राइटिंग को, पोइट्री को, प्रोज हो, चाहे कुछ भी हो, राइटिंग को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है, उनको क्या बोलते हैं, लिटरेरी टर्म्स बोलते हैं। जैसे कि हमने स्टायर किया था, कमेंट, स्टायर का मीन्स कमेंट होता है, किसी के ऊपर कमेंट करना। उसके बाद हमने एलिजी रीड की थी, तो काफ़ी हमने क्या है जो आपके सिलेबस में लिटरेरी टर्म्स हैं उनको डिफाइन किया था, उनको डिस्कस किया था, उसके एग्जांपल देखे थे, उनको लाइन टू लाइन समझा था, उनकी डेफिनेशन की थी। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं सिंबोलिज्म। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या रहेगा, सिंबोलिज्म। जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, सिंबोलिज्म। सिंबल का मीन्स क्या होता है, चिन्ह है, मार्क करना, किसी को टिक करना, मतलब किसी का चिन्ह है कह सकते हैं हम, ना मार्क बोलते हैं ना, चिन्ह है बोल सकते हैं। तो सिंबोलिज्म क्या होता है, किसी भी चीज़ का मार्क दे देना, किसी भी चीज़ का मार्क देना क्या है, सिंबोलिज्म है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक अ स्क्रीनशॉट, बिकॉज आफ्टर अवर, मतलब इन अवर वीडियो वी आर डिस्कसिंग द पॉइंट, मतलब उसके बाद क्या है, ये रफ हो जाता है, मतलब जो आपने लिख रखा है मैटर वो थोड़ा मिक्सअप हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, देन आफ्टर अवर वी विल स्टार्ट अवर क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड द मैटर, देन आफ्टर वी आर एक्सप्लेनिंग इन लाइन टू लाइन हिंदी। द वर्ड सिंबल इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ब सिंबल, इन विच मीन्स टू थ्रो टूगेदर, एंड इट नाउन सिंबल ऑन इट्स नाउन सिंबल ऑन विच मीन्स मार्क, एम्बलम और साइन। सिंबोलिज्म refers to the use of symbols or a set of related symbols to express an idea. It is also name given to an important art movement in the late 19th century. A symbolism is a literary device that contains several layers of meaning, often concealed at first sight, and its representative of several other aspects, concepts are traits than those that are visible in the literal translation alone. Example dekhenge, uske baad hum fading of roses, transcendence of beauty of all things bright and beautiful. It is a use symbol, be they words, people, marks, locations or abstract ideas to represent something beyond the literal meaning. तो देखते हैं हम इसे, the word symbol is derived from the Greek verb. क्या है ये जो word है symbol, ये कहाँ से लिया गया है, ये Greek एक verb है, symbole से लिया गया है, in which means, जिसका means होता है टू थ्रो टूगेदर, जिसे एक साथ फेंका जाए। सिंबल का मीन्स क्या होता है, सिंबले का मीन्स क्या होता है, टू थ्रो टूगेदर, जिन्हें एक साथ फेंका जाए।
जो सिंपल वर्ड है वो इसी वर्ब से लिया गया है एंड इट्स नाउन, और इसका जो एक नाउन था वो होती है सिंबल, जिसका मीनिंग क्या होता है, विच मीन्स मार्क, एम्बलम और साइन। सिंबल एक जो नाउन वर्ब है वो तो क्या है, सिंबल है, और नाउन जो है वो सिंबल है, जहाँ से ये वर्ड्स जो हमारा सिंबोलिज्म है ये बनकर आया है। और जो सिंबल सिंबल है उसका मीन्स क्या होता है, टू थ्रो टूगेदर। और अगर हम बात करें वर्ब के बाद नाउन के बारे में, जो सिंबल नाउन है वो क्या हो सकता है, एक मार्क हो सकता है, एक चिन्ह हो सकता है, एम्बलम एक प्रतीक हो सकता है, और एक साइन वो भी हम चिन्ह ही कहते हैं हो सकता है। एम्बलम का मीन्स होता है प्रतीक, एम्बलम का मीन्स क्या होता है प्रतीक। सिंबोलिज्म रेफर्स टू द यूज ऑफ सिंबल्स और अ सेट ऑफ रिलेटेड सिंबल्स टू एक्सप्रेस एन आइडिया। जो सिंबोलिज्म है वो रेफर करती है, क्या रेफर करती है, वो यूज मतलब कि ऐसे सिंबल के प्रयोग को रेफर करती है, बताती है या एक रिलेटेड सिंबल उससे जुड़ी हुई चीजों के एक सेट से रेफर करती है, चीजों को क्या है वो लेती है जो एक्सप्रेस करती है एक आइडिया को, मतलब एक आइडिया को रेफर करने के लिए जब हम उसके प्रतीक या उसके चिन्ह को जब हम यूज करते हैं तो वो क्या होता है, सिंबोलिज्म होता है। जैसे कि हम देखें हिंदी में, जैसे हम बोलते हैं ना हिंदी में तो क्या, जैसे हमारे सामने कुछ ऐसे साइन आ जाते हैं जिससे हम समझ जाते हैं कि ये इसका साइन है। अब हमारे सामने क्या है, हमारे ट्राइंगल का साइन आता है, ट्राइंगल मतलब जो तिरंगा झंडा है उसका साइन आता है, तो हमें पता चल जाता है ये किसका साइन है, ये किसका एम्बलम है, ये इंडिया का एम्बलम है, मतलब कि ये इंडिया का है। अब आपने वो चार जो शेर वाली वो पिक्चर देखते हैं हमारे, उससे हमें पता चल जाता है कि इंडियन का है। और उसके बाद अगर हम देखते हैं क्रॉस का साइन देख लेते हैं, जैसे हम किस कहां पर क्रॉस का साइन देख लेते हैं तो हमें समझ आ जाता है ये क्या है, क्रिश्चियनिटी का है। और डायरेक्ट हम प्लस का साइन देखते हैं, प्लस का साइन देखते हैं तो ये हॉस्पिटल का साइन हमें लगता है। तो इस तरीके से किसी भी चीज को, किसी भी आइडिया को जब हमें एक्सप्रेस करना हो विद द सिंबल, सिंबल के साथ, तो वो क्या कहलाता है, सिंबोलिज्म कहलाता है। इट इज आल्सो नेम गिवन टू एन इंपॉर्टेंट आर्ट मूवर इन द लेट 19th century। ये जो नेम है इसे कब दिया गया था, जब 19th century का आर्ट मूवमेंट था। मतलब हमने देखा है कि अलग अलग सेंचुरीज होती हैं, उनमें अलग अलग तरीके की टर्म्स को आगे लेकर आ जाता है, तो ये सिंबोलिज्म है, इनका यूज सबसे ज्यादा कहाँ हुआ था, 19th century में स्टार्ट हुआ था, लेट मतलब जब 19th century लोग सब हम कहते हैं लास्ट में, जब 1980 आया होगा, 1970 होगा, 1870 होगा, मतलब जब क्या है 19वीं शताब्दी लगभग खत्म होने वाली थी, तब इस जो टर्म है वो हमारे सामने उभर कर आई थी। उसके बाद हम डेफिनेशन देखते हैं सिंबोलिज्म की। अ सिंबोलिज्म इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट कंटेन्स सेवरल लेयर्स ऑफ मीनिंग। ये एक ऐसी डिवाइस है, ये एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जो सिंबोलिज्म है वो, उसमें क्या होता है, कंटेन सेवरल लेयर्स ऑफ मीनिंग, जिसके अंदर कई लेयर्स होते हैं मीनिंग के, जिसे हमें क्या है खोज के निकालना होता है। ऑफन कंसील्ड एट फर्स्ट साइट, और कभी कभी ये हमें क्या है फर्स्ट साइट में समझ में नहीं आती है। एंड इट्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सर्वल अदर एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट और ट्रेट्स देन दोज दैट आर विजिबल इन लिटरेरी ट्रांसलेशन अलोन। कि ये ऐसी चीज़ों को ट्रेट्स करती है, ऐसी चीज़ों को हमारे सामने लाती है जिससे हमें एक बार में हम उसको समझ नहीं पाते हैं। हमें क्या है थोड़ा डीपली थिंकिंग कर डीपली हमें सोच कर क्या है उसका मीनिंग जो है वो समझना होता है, और उस मीनिंग जो उस वर्ड होते हैं उसके कई जो मीनिंग हमारे सामने निकल कर आ जाते हैं। मतलब क्या है, किसी भी लाइन को जब हम रीड करते हैं, जैसे कि योर फेस इज मून, कि आपका जो फेस है वो चंद्रमा है, तो यहाँ पर जो मून है हमें पता है जो मून है वो ब्यूटी
ब्यूटी का साइन है, जो मून है एक तरफ, मतलब सिर्फ मून की बात कर रही हूँ मैं, कि जो मून है वो क्या है, ब्यूटी का साइन है। तो हमें क्या पता चल रहा है कि फेस को क्या बताया है, ब्यूटीफुल बताया गया है। इसी के बाद अगर हम बोले कि वाइट मून, तो वाइट मून क्या होता है, पूरा मून जब होता है, वाइट मून का मीन्स होता है ग्लूमी, उदासी भरा हुआ। तो इस तरीके से कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके क्या है, जो हमें क्या है, किसी भी बात की क्या है, फीलिंग्स जो है वो हम ले सकते हैं, फील्स करवाते हैं, वही क्या होते हैं सिंबोलिज्म, हमारा जो एटम वो इसी तरीके से काम करती है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, पैटी ऑफ रोज। अब आपको पता है जो रोज है वो किसका साइन है, किसका प्रतीक है, सुंदरता का, लव का, रोमांस का, ठीक है, मतलब सुंदरता का, जो ब्यूटी का साइन है, और वो फेडेड हो रहा है, फेडिंग मतलब कि मुरझाना। तो रोज क्या है, ब्यूटीफुल, ब्राइट, और ब्यूटीफुल का क्या है, वो सिंबल है, ब्यूटी का सिंबल है, अब वो क्या है, फेडिंग हो रहा है। इससे मीन्स क्या निकल रहा है, ट्रांसलेशन ऑफ ब्यूटी ऑफ ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ट्रांसलेशन मतलब अब वो बदलाव आ रहा है, फेडिंग ऑफ रोज मतलब हमें पता चल रहा है कि जो भी चीजें अब सुंदर थी वो क्या हो रही है, अब फेड हो रही है, वो अब मुरझा रही है, मतलब जो सुंदरता है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, फेडिंग ऑफ रोज। इस तरीके से रोज है वो लव का सिंबल है, रोज है वो लव का सिंबल है। इट इज यूज्ड सिंबल, ये सिंबल हम सिंबोलिज्म में क्या होते हैं, सिंबल्स यूज हो जाते हैं, वो क्या हो सकते हैं, वो वर्ड्स भी हो सकते हैं, वो पीपल भी हो सकते हैं, वो मार्क्स भी हो सकते हैं, लोकेशन भी हो सकती है, और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज भी हो सकते हैं। दे प्रेजेंट समथिंग बियॉन्ड द लिटरल मीनिंग, मतलब कि जो सिंबोलिज्म है उसमें हम कई तरीके के वो चाहे वर्ड भी हो सकते हैं, पीपल भी हो सकते हैं। अब जैसे हम गांधी जी की फोटो देखते हैं तो हमें पता है जो गांधी जी हैं वो किसके प्रतीक है, अहिंसा के प्रतीक है, मतलब अहिंसा करने के, नॉन वायलेंस के प्रतीक है। इसी के बाद हम अगर चंद्रशेखर आजाद को देखें तो हमारे सामने क्या है, थोड़ी वो क्रांति वाली जो मतलब हमें पता चलता है वो क्रांतिकारी थे, तो वो क्या है, वो एक तरीके से सिंबल ही है, पिस्टल है, मतलब पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या है, हथियार वाला है। तो वो क्या हो सकते हैं, वर्ड्स भी हो सकते हैं, वर्ड्स जैसे मैंने देखा, आपने देखा फेडिंग ऑफ रोज, तो रोज क्या है, एक वर्ड है, अगर हम देखें तो फूल भी है, जब हम फूल के रूप में देखते हैं, फ्लावर के रूप में देखते हैं, तो वो क्या है, हमें पता चलता है नॉर्मल फूल भी हो सकता है और किसी चीज का सिंबल भी हो सकता है। जब हम किसी को प्रेफर करते हैं, रोज प्रेफर करते हैं, तो मीन्स हम उसको हैप्पीनेस देना चाह रहे हैं, और तब वो क्या बन जाता है, हमारे प्रपोजल का भी क्या है, वो सिंबल बन जाता है। वो वर्ड्स भी हो सकते हैं, पीपल भी हो सकते हैं, मार्क्स भी हो सकते हैं, मार्क्स जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि हॉस्पिटल का, जैसे अगर क्रॉस का साइन होता है तो हमें पता है कि क्रॉस का साइन क्रिश्चियनिटी को शो करता है, और जो ओम जैसे हमारे इंडियन जो हिंदू रिलीजियस होते हैं, हम ओम हमें पता है, हम ओम देखकर तो हमें पता है इंडियन रिलीजन जो हमारा रिलीजियस है, हिंदू धर्म से जो क्या है ये रिलेटिव है। तो इस तरीके से वो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, कुछ ऐसे आइडिया में हमारे सामने जो है वो सिंबल की तरह यूज होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सिंबोलिज्म कहलाते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं ऑल सिंबोलिज्म इज यूनाइटेड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ अ वर्ड और ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग समथिंग बियॉन्ड इट्स लिटरल मीनिंग। जो सारे के सारे जो सिंबोलिज्म होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं कॉन्सेप्ट से, एक वर्ड से या एक ऑब्जेक्ट से, जो क्या है हमारे सामने कुछ अलग लिटरल जो साहित्यिक मीनिंग वो लेकर आते हैं। थ्रू आउट हिस्ट्री कंसर्टेन टाइप्स ऑफ सिंबोलिज्म हैव रिजोल्व पार्टिकुलर फेवर फ्रॉम ऑथर पॉइट्स प्ले राइट्स एंड लेडीज, मतलब कि के जो इसी दौरान अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में कई तरीके के हमें सिंबोलिज्म मिलते हैं, जो किसके द्वारा किसके द्वारा यूज किए गए थे, ऑथर के द्वारा, पॉइट्स के थ्रू और प्ले राइट्स के थ्रू, और लेडीज ने सिंबोलिज्म को बहुत ही ज़्यादा यूज किया था। जैसे कि हमने बात की थी पहले वाले में कि 19th सेंचुरी के लेट 19th सेंचुरी में सिंबोलिज्म है वो एक
अच्छी टर्म के रूप में हमारे सामने आया था, अच्छा मतलब यूज़ किया जा रहा था पोइट्स के द्वारा, पोइट्स के थ्रू यूज़ किया जा रहा था, तो इसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्तर पर इंजॉय किया गया था। ब्रिटिश एंड अमेरिकन लिटरेचर इन 20th सेंचुरी वॉज डीपली अफेक्टेड बाय द सिम्बोलिज्म मूवमेंट। जो 19th सेंचुरी का जो लास्ट पीरियड था उसे हम सिम्बोलिज्म मूवमेंट भी कहते हैं, कह सकती हैं, जिसमें ब्रिटिश और अमेरिकन मतलब ब्रिटेन और जो अमेरिका का जो लिटरेचर है उसमें 19वीं और 20वीं सदी में बहुत ही ज़्यादा क्या था, सिम्बोलिज्म जो मूवमेंट था, सिम्बोलिस्ट जो मूवमेंट था उसका प्रभाव पड़ा था, उसका जो इफेक्ट है वो अमेरिकन और ब्रिटिश जो लिटरेचर है उसके ऊपर हमें अच्छे से दिखाई दिया है। सिम्बोलिस्ट थ्योरीज एंड सिम्बोलिज्म स्लोली मेड देयर वे इनटू द पोएट्री ऑफ मॉडर्निस्ट, कि जो सिम्बोलिस्ट है मॉडर्न मतलब कि हम जो 19वीं सेंचुरी के जो भी पोइट होते हैं उनको मॉडर्न मानते हैं, वो हमारे मॉडर्न लिटरेचर में आता है, और उसी के थ्रू क्या था थ्योरी जो सिम्बोलिस्ट जो थ्योरी है जो सार है सिम्बोलिज्म है वो क्या है उनका खुद का उनका क्या बन गया था, वे बन गया था अपनी पोइट्री में, वो क्या है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वो यूज़ करने लगे थे। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से जो सिम्बोलिस्ट मूवमेंट से अफेक्टेड थे, T.S. Eliot, V.B. Yeats और हम नॉवल मॉडर्न नॉवल की बात करें कि T.S. Eliot और Yeats तो क्या है मेनली हम पोइट के रूप में जानते हैं इनको, और अगर हम मॉडर्न नॉवल के बारे में बात करें तो विर्जिनिया वुल्फ जो क्या है फेमिनिस्ट भी थे, मतलब कि महिलाओं के ऊपर भी इन्होंने काफ़ी लिखा था विर्जिनिया वुल्फ ने, उन्होंने क्या है सिम्बोलिज्म जो टर्म है उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अपने राइटिंग में यूज़ किया था। तो फिर से देखते हैं, ऑल सिम्बोलिज्म इज यूनाइटेड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ अ वर्ड और ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग समथिंग बियॉन्ड इट्स लिटरल मीनिंग, के सिम्बोलिज्म होते हैं वो क्या होते हैं आपस में यूनाइटेड होती हैं एक कॉन्सेप्ट के द्वारा क्या होती है उसके हम कहते हैं ना एक अंदर का जो केंद्रीय भाव होता है उससे वो आपस में जुड़े होते हैं बियॉन्ड इट्स लिटरल मीनिंग, जो हमें क्या है इसके ऊपर से सरफेस का जो मीनिंग है उसके डीपली मीनिंग जो होता है उसके अंदर छुपा होता है। जैसे हमने देखा कि सिम्बोलिज्म है मतलब मैनी लेयर्स ऑफ मीनिंग, कि उसके अंदर क्या होती है कुछ लेयर्स होती है मीनिंग की, उन लेयर्स को हमें साइड करना होता है, मतलब हमने जो अपनी थिंकिंग है उनको थोड़ा डीप ले जाकर हम क्या है उसकी मीनिंग को अच्छे से समझ सकते हैं अंडरस्टैंड कर सकते हैं। थ्रू आउट हिस्ट्री अब हम हिस्ट्री में देखेंगे सर्टन टाइप्स ऑफ सिम्बोलिज्म, यहाँ पर हमें हिस्ट्री में कई तरीके के सिम्बोलिज्म मिल जाते हैं, जैसे कि रिलीजियस सिम्बल हो गए, पॉलिटिकल सिम्बल्स हो गए, पॉलिटिकल सिंबल्स मतलब कि आपने देखा होगा कि अगर ये हाथ का पंजा होता है तो कांग्रेस का साइन होता है, आपने लोटस देखा होगा, कमल का फूल हमें पता लगता है कि भाजपा का है, तो इस तरीके से क्या है कि सिम्बोलिज्म है कई तरीके के थे, जो क्या है सिम्बोलिज्म है पार्टिकुलरली फेवर फ्रॉम ऑथर पॉइंट्स प्ले राइट्स एंड लिरिक्स, जो किसके द्वारा यूज किए गए थे पोइट्स के द्वारा प्ले राइट के द्वारा लिरिक्स ने कई तरीके के सिम्बोलिज्म है अपने वर्क में ऐड किए थे, कई रिलीजियस भी थे पॉलिटिक्स भी थे और सोशल भी थे, कई तरीके के क्या है सिम्बोलिज्म उन्होंने अपने वर्क में ऐड किए थे। ब्रिटिश एंड अमेरिकन लिटरेचर इन 20th सेंचुरी वॉज डीपली अफेक्टेड बाय द सिंबल सिम्बोलिक मूवमेंट, के जो ब्रिटिश और अमेरिकन लिटरेचर था वो इस चीज़ से कब अफेक्टेड हुआ था, 20th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा सिम्बोलिज्म से वो अफेक्टेड हुआ था। सिम्बोलिक थ्योरीज एंड सिम्बोलिज्म स्लोली मेड द वे, उन्होंने क्या है इसे स्लोली अपना धीरे धीरे क्या है अपनी पोइट्री में इसको अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया था, अच्छे से अपने पोइट्री में से उतार लिया था। जैसे कि हम मॉडर्निस्ट की बात करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री जो है हमारे 20th सेंचुरी के जो फेमस पोइट हैं T.S. Eliot, V.B. Yeats, इन्होंने अपने क्या है पोइट्री में सिम्बोलिज्म का यूज़ बहुत ही ज़्यादा करते हैं ना, बढ़ चढ़ कर जो है इसका प्रयोग किया है, इसको अच्छी अपने पोइट्री में इसको जगह दी है। एंड इन मॉडर्न नॉवल, और हम अगर मॉडर्न नॉवल की बात करें उपन्यास की बात करें तो विर्जिनिया वुल्फ का सबसे अच्छा नाम आता है इसमें सिम्बोलिज्म यूज़ करने के लिए। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि सिम्बोलिज्म के नॉर्मल जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं सिम्बोलिज्म के, जो नॉर्मल लाइफ में जो एग्जाम्पल होते हैं, अ रेड रोज और रेड कलर रेड स्टैंड फॉर लव एंड रोमांस,
जो लाल रंग होता है आपने देखा है, जो रेड रोज हो चाहे लाल गुलाब है चाहे रेड कलर है, वो टेंस वो किसका प्रतीक होता है, लव का, प्यार का और रोमांस का क्या होता है वो टेंस, मतलब उसे हमें शो करता है, जो रेड कलर और रेड रोज होता है वो किसे शो करता है, लव और रोमांस को शो करता है। ब्लैक इज सिंबल ऑफ डेथ और एवर, आपने देखा होगा जो काला रंग है वो किसे शो करता है, या तो मृत्यु मतलब डेथ को शो करेगा, या एवर मतलब शैतानी, जो आपने देखा होगा जो फिल्म्स होती हैं पोएट्री होती हैं उसमें ब्लैक कलर से हमें क्या है नेगेटिव जो सेंस मिलता है। अब वाइट कलर हम बात करें वाइट कलर की, तो हमें पता है वाइट कलर क्या है, पीस का साइन है, शांति का प्रतीक है। अब ब्रोकन मिरर में सिंबल सिंबलाइज सेपरेशन, एक ब्रोकन मिरर एक टूटा हुआ जो शीशा है वो हमें क्या है अलगाव मतलब कि सेपरेशन का जो है वो सिंबलाइज करता है, एक सेपरेशन का जो मीनिंग मतलब अलगाव का जो मीनिंग है वो हमें किससे प्रतीत होता है, किससे हम फील कर सकते हैं, एक ब्रोकन एक टूटे हुए मिरर एक टूटे हुए शीशे से। उसके बाद हम लिटरेचर में एक पोएम देखते हैं, लाइन है पोएम की, द वाइट मून इज सेटिंग बिहाइंड द वाइट वेव एंड नाइट इज सेटिंग विद मी, के वाइट मून जैसे कि मैंने बताया कि वाइट मून मतलब कि शांति से, या जो वाइट मून है डल हो चुका जो मून है इज सेटिंग बिहाइंड द वाइट मून वे, वाइट वे मतलब कि वो क्या है अब एक सफेद धारा के पीछे वो क्या होता है सेटिंग हो रहा है डूब रहा है, एंड टाइम इज सेटिंग विद मी, और उसी के साथ मेरा जो टाइम है मेरा जो समय है वो मेरे साथ क्या है सेटिंग हो रहा है। नाउ आई एम गेटिंग ऑल्ड, कि मैं अब क्या हो रहा हूँ बूढ़ा हो रहा हूँ। यहाँ पर जो वाइट मून है अब इससे क्या है सिंबलाइज हमें पता है, जो वाइट मून है वो किसका सिंबल है, बुढ़ापे का सिंबल भी है, शांति का भी सिंबल है, पीस का भी जो सिंबल है, इसीलिए यहाँ पर क्या है वाइट मून इज सेटिंग बिहाइंड, कि हमें क्या इसका मीनिंग पता चल रहा है कि यहाँ पर जो है वो जो पर्सन है जो स्पीकर है वो क्या हो रहा है अब बूढ़ा हो रहा है, जो टाइम है उसके साथ वो सेटिंग मतलब कि डल रहा है, जो टाइम है वो डल रहा है अब वो क्या हो रहा है वो ओल्ड हो रहा है। ये लाइन्स कहाँ से है, ओपन द डोर टू मी ओ, ये पोएम है एक किसके द्वारा लिखी गई है, रॉबर्ट बर्न्स की ये लाइन्स हैं, द वाइट मून इज सेटिंग बिहाइंड द वाइट वेव एंड टाइमिंग इज सेटिंग विद मी, के वाइट मून तो क्या है सेटिंग हो रहा है किसके पीछे, वाइट वेव के पीछे, और टाइम जो है वो मेरे साथ सेटिंग हो रहा है मतलब डूब रहा है, के जो टाइम है वो भी क्या है धीरे धीरे जा रहा है और मैं भी क्या है अब धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा हूँ। अब यही क्लास हमारी यहीं पर फिनिश होती है, आई थिंक यू अंडरस्टैंड द टर्म ऑफ सिम्बोलिज्म, आपने अच्छे से इसको समझा है, इसको राइट भी किया है, नोट्स भी बनाए हैं इसके। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, थैंक यू।